आपने पंकज त्रिपाठी की मूवी कागज तो जरूर देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो जो किस्सा हम आपको आज सुनाने वाले हैं वो हूबहू उसी पिक्चर की कहानी की तरह है जैसा पंकज त्रिपाठी की उस पिक्चर में हुआ था। दरअसल ये कहानी है राजस्थान के बलोतरा जिले की, जहाँ पर एक शख्स जो सरकारी रिकॉर्ड में गलती से मृत घोषित हो जाता है, मृत घोषित कर दिया जाता है, वह अपने आप को जीवित प्रूफ करने के लिए कुछ ऐसे कारनामे करता है जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल जब ये उसे पता चलती है बात कि सरकारी दस्तावेज में वह मृत घोषित हो गया है, तो अपने आप को जीवित घोषित करने के लिए वो गुनाहों का सहारा लेता है, क्राइम करने लग जाता है। उसको इस बात का डर सताता है कि कहीं मृत घोषित होने के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो उसकी जायदाद है, जो उसकी संपत्ति है, कहीं उसको खतरा ना आ जाए। इस चीज़ का बचाव करने के लिए वो अपने आप को जीवित वापस कराना चाहता है सरकारी रिकॉर्ड्स में। और इन सब के बीच वो एक स्कूल में चाकू और पेट्रोल बम लेके घुस जाता है, ताकि जब वो गुनाह करेगा तो पुलिस उसे जब पकड़ने आएगी तो कहीं ये साबित कर सके कि देखो मैं अभी भी जिंदा हूँ और गुनाह कर रहा हूँ, मैं सरकारी रिकॉर्ड में तो भले मर गया हूँ पर मैं अभी भी जिंदा हूँ। और क्या पता इन सब चीज़ों से वो जो डेथ सर्टिफिकेट इशू हुआ था गलत तरीके से वो वापस हो जाए। ठीक ऐसा ही होता है, पुलिस तो हिरासत में ले लेती है उस व्यक्ति को। हालांकि इस घटना में दो टीचर्स और कुछ पेरेंट्स जख्मी हो जाते हैं, पर जो मंसूबे थे उसके, जो उसकी थिंकिंग थी कि किस तरीके से मैं अपने आप को जीवित साबित करूं, कहीं ना कहीं इसमें वो कामयाब हो जाता है। जब पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है तो जो फर्जी डेथ सर्टिफिकेट जारी हुआ था, जो गलत डेथ सर्टिफिकेट जारी हुआ था, उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और वापस से सरकारी रिकॉर्ड में वह जीवित हो जाता है। अब आप क्या कहेंगे ऐसे घटना के बारे में, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और क्या ये घटना पंकज त्रिपाठी की कागज़ मूवी से हूबहू मिलती जुलती है या नहीं, इस बात भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।